ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि CVT, DSG, AMT और मैनुअल। तो मैनुअल कार्स में, जैसे कि आपको पता है, हमें मैनुअल गियर शिफ्ट करने होते हैं, और वहीं ऑटोमेटिक कार्स में ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सलेटर और दबाना होता है और ब्रेक होता है, जस्ट सेम स्कूटी की तरह। तो हमें सेम, और उसमें गाड़ी स्पीड के अकॉर्डिंगली गियर ऑटोमेटिक एडजस्ट करती है। हालांकि मैनुअल कार्स में हमें खुद करना होता है। अब अगर आप नए नए ऑटोमेटिक कार्स चला रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक को अडॉप्ट करने में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने भी अभी तक सिर्फ 2-3 बार ही चलाई है। एक बार टियागो ईवी चलाई है और वर्चुस, तो वो चलाई है मैंने। तो उसमें एक्चुअली क्योंकि मैं ऐसे क्लच ऐसे से लेफ्ट फिट से दबाता हूँ और ऐसे ब्रेक, तो वो मेरे को खाली उसमें एक ही ऐसे शायद पैर यूज़ करना होता होगा। एक्चुअली मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा तेज़ ब्रेक दबा दिया था, जैसे बिगनर्स करते हैं, तो वो अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा आजकल की जो ट्रैफिक की सिचुएशन है, जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है मेजरली बड़े शहरों में, जैसे कि मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उसमें कुछ बेनिफिट ऐसे सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है, जैसे कि जैसे ही आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है, जैसे ही हम ब्रेक रिलीज करते हैं, तो वो हल्की स्पीड में वो कार चलने लगती है, बहुत ज़्यादा हल्की, तो वो ट्रैफिक में बहुत इजी रहता है उससे। और जैसे कि अब मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है, एक्चुअली मैं काफ़ी बार जाम में, बहुत 2-3 घंटे के जाम में भी फंसा हूँ एक बार, तो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है मुंबई में। तो मेरे को लगता है फ्यूचर करियर, अगर मैं भी नई गाड़ी लूँगा तो मैं भी ऑटोमेटिक के लिए जाऊँगा। बस उसमें ड्रॉबैक्स ये हो सकते हैं, कुछ मेंटेनेंस ज़्यादा होता है कुछ भी गियर बॉक्स में, जैसे DSG, वॉक्सवैगन और स्कॉडा में ही ज़्यादातर आता है अभी तो मेरे ख्याल से, बाकी और हाई एंड कार्स में आता होगा। और इसके अलावा जैसे मारुति में AMT आता है, तो उसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा ऐसे है, क्योंकि वो मैनुअल को ऑटोमेटिक में ऐसे कर उन्होंने कन्वर्ट कर रखा है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसके अलावा CVT आता है, जो कि जैज़ में आता है, और भी बहुत सारी गाड़ियों में CVT ट्रांसमिशन आता है। तो उन सब के मेंटेनेंस और सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है सब में। तो यहाँ आपको बस एक यही है इसका, सब मेंटेनेंस शेड्यूल थोड़ा इसका कॉस्टलियर होगा, और एज सच मेरे को ऑटोमेटिक कार ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर मैंने आपको बताया, मैं खुद भी अगर गाड़ी लेनी होगी तो मैं ऑटोमेटिक ही परचेज़ करूँगा। तो यस, अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अभी मैं इसका आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि इसके यूज़ का रीसेल वैल्यू, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसका, मुझे नॉलेज नहीं है कि कैसी इन फ्यूचर मिलेगी ऑटोमेटिक कार की। तो मैं इसका कुछ ज़्यादा आपको कंफर्म नहीं कह सकता कि यूज़ का वैल्यू आपको ऑटोमेटिक में कैसी होगी, ज़्यादा होगी या फिर इनफैक्ट थोड़ी बहुत कम होगी। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं अभी यूज़ का मार्केट में, कि ऑटोमेटिक जो कार, जो यूज़ कार बिक रही है, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है या कम है, तो आप ये चेक कर सकते हैं।